दिस इज चाचेन, वेलकम टू डीपीएससी लर्नर्स। तो बात करेंगे आज हम अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड एंड चाइल्डहुड, जो आपके डीपीएससी फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, उसके हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। ये स्टार्ट करने से पहले, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने से पहले, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि मैं इंस्टाग्राम पर लाइव आती हूँ, वहाँ पर आपकी क्वेरीज सॉल्व करती हूँ, जो भी आपकी डीपीएससी कोर्स से रिलेटेड हैं या सीटेट से रिलेटेड हैं या फिर जॉब से रिलेटेड है या फिर एग्ज़ाम से कोई भी क्वेरी आपकी रिलेटेड है, तो मैं इंस्टाग्राम पर लाइव आती हूँ, वहाँ पर आके मुझे फॉलो करो, मुझे लाइक देखो, मुझसे क्वेश्चन पूछो। अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है charu.jain0208, गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। तो स्टार्ट करते हैं हम UCC के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। वैसे तो UCC हमारा पूरा ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और काफ़ी लेंथी है, दूसरी चीज़ इसमें सारी थ्योरी है, बट मैंने फिर भी इसमें से काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले हैं। हम यूनिट वाइज बात करें तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सारा आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, व्हाट इज़ ग्रोथ, व्हाट इज़ डेवलपमेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कुछ भी आ सकता है। उसके बाद स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, किस डेवलपमेंट में कितनी स्टेजेस होती हैं, कौन सी होती हैं, देन रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का क्या रोल है, लर्निंग और मैचुरेशन, कुछ भी आ सकता है, प्रीनेटल ग्रोथ ड्यूरिंग 3 trimesters, जो मैंने ऑलरेडी करा दिया है, देन आफ्टर इनहेरिटेड और जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इसमें जो भी आपके 3-4 डिसऑर्डर्स हैं कोई सा भी आ सकता है, देन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्रीनेटल डेवलपमेंट जैसे कि एल्कोहल, मेटरनल अब्यूज, सारे जो भी थे वो आ सकता है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मिक्स आ सकते हैं आपके, देन केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ट्रांजिशन फ्रॉम इंट्रा यूट्राइन टू एक्स्ट्रा यूट्राइन, यहाँ पे आपका आएगा ट्रांजिशन फ्रॉम इंट्रा यूट्राइन टू एक्स्ट्रा यूट्राइन आ सकता है, अर्ली सेंसरी कैपेबिलिटीज यानी जो सारे सेंसेस हैं वो। यूनिट 4 आपकी पूरी इंपॉर्टेंट है, यूनिट 4 में मैं कुछ पर्टिकुलर नहीं बताऊँगी, पूरा करके जाना पड़ेगा, आई थिंक डेवलपमेंट साइंस में। फिर माइलस्टोन्स इन कॉग्निटिव अटेनमेंट, मीन्स जो माइलस्टोन्स आते हैं कॉग्निटिव अटेनमेंट में, देन प्याजे की थ्योरी, तो सारी इंपॉर्टेंट है, प्याजे, वाइगोत्स्की, गार्डनर, सारी इंपॉर्टेंट थ्योरीज है, देन डिफरेंस बिटवीन इंटेलिजेंस एंड कॉग्निशन, इंटेलिजेंस और कॉग्निशन में डिफरेंस, देन फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ये सारा कॉग्निटिव से रिलेटेड जो है एक टॉपिक में लीजिएगा, देन बाइलिंगुअलिज्म और मल्टीलिंगुअलिज्म काफ़ी ईजी और आ जाता है, इशू ऑफ होम वर्सेस स्कूल लैंग्वेज ये क्वेश्चन भी आ सकता है, देन स्पीच प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन, बच्चों में जो स्पीच प्रॉब्लम, स्टटरिंग, स्टामरिंग, सेलेक्टिव म्यूटिज्म ये आ सकते हैं, देन फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो लैंग्वेज को अफेक्ट करते हैं, माइलस्टोन्स आ सकते हैं इमोशनल डेवलपमेंट के, फंक्शंस ऑफ इमोशंस जैसे कि क्या क्या इमोशंस काम करता है, चाइल्ड रियरिंग स्टाइल्स जैसे कि पेरेंटिंग स्टाइल, परमिसिव, अथॉरिटेरियन, ये सारे जो होते हैं, फॉर्म्स ऑफ सोशल बिहेवियर के फॉर्म्स, और डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कंसेप्ट, जो ये सेल्फ रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक है वो। तो दीज ऑल आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ UCC। अगर आपको इसमें कहीं प्रॉब्लम आए, इसमें कहीं दिक्कत आए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और आजकल थोड़ा वीडियोस अपलोड नहीं हो रही है, बिकॉज टेक्निकल इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है, कभी वाईफाई वर्क करता है, थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, बट थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन एंड सपोर्ट, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। मैं एग्जाम से पहले आपकी वीडियोस कवर करा दूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना।